तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि फ्री फायर मैक्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ न्यू प्रॉब्लम आता रहता है, कुछ ना कुछ न्यू ग्लिच देखने को मिलता है। ऐसे ही आपको पिछले महीने यानी कि मई महीने में एक ग्लिच देखने को मिला था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी आईडी में कम डायमंड में इलाइट पास परचेस कर लिया। यानी कि जैसे कि पता है कि आपको इलाइट पास लेने के लिए 499 डायमंड लगते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने कम डायमंड यानी कि 164 डायमंड में बहुत लोगों ने इलाइट पास को अपने आईडी में ले लिया, जो कि एक ग्लिच की मदद से। वो ग्लिच क्या है, किसमें आपको इलाइट पास में डिस्काउंट ग्लिच देखने को मिला था, चलिए आपको बताता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इवेंट वाले सेक्शन में आना है, उसके बाद आपको न्यूज वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे एक इवेंट देखने को मिल रहा है, हाइड आउट। जैसे ही आप इस वाले इवेंट को ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा एंड देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके बगल में आपको लाइट पास डिस्काउंट का एक इवेंट दिख रहा है, जो कि ये ग्लिच आया था पिछले महीने मई में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे 164 डायमंड में लाइट पास शो कर रहा है। तो बहुत लोगों ने इस ग्लिच की मदद से अपनी आईडी में लाइट पास को 164 डायमंड में ले लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने लाइट पास को पिछले महीने 164 डायमंड में ग्लिच के थ्रू लिया है, तो मैं आपको बता दूँ, जो आपका लाइट पास का रिवॉर्ड है वो आपका कभी भी गायब हो सकता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि फ्री फायर में इससे पहले भी कितनी बार ग्लिच आ चुके हैं, कितने बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने ग्लिच के थ्रू अपने कम डायमंड में रिवॉर्ड तो ले लिया, लेकिन बाद में आपके जो रिवॉर्ड है वो गायब हो जाते हैं एंड आपको डायमंड भी नहीं मिलता। तो जिन लोगों ने भी लाइट पास लिया, हो सकता है कि आपको 2 से 3 महीने बाद जो कोई लाइट पास के रिवॉर्ड है जो कि आपको ग्लिच के थ्रू मिला है, वो आपका रिवॉर्ड आपके आईडी से गायब हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि आगे आपको फ्री फायर में ऐसा ग्लिच कभी भी देखने को मिले तो आप लोग कृपया करके उस ग्लिच में डायमंड वेस्ट करके रिवॉर्ड ना लें। क्योंकि आप जो भी ग्लिच के द्वारा रिवॉर्ड लेंगे कम डायमंड में, तो हो सकता है कि आगे आपको जाके वो रिवॉर्ड गरीना वाले आपके आईडी से गैप कर दे एंड जो भी आपका डायमंड वेस्ट हुआ हो 80, 100, 200, ये आपको वापस नहीं मिलने वाला है। क्योंकि रिवॉर्ड तो आपका गायब हो जाएगा, लेकिन आपका जो डायमंड गया है वो बेकार चला जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको फ्री फायर में कोई भी ग्लिच ऐसा देखने को मिले तो उस ग्लिच की मदद से आप कोई भी रिवॉर्ड ना लें। तो यही बताना था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना सा ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।